हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले देवनेली किले के बारे में। ये किला 500 साल पुराना है। किला हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान के संबंध में प्रसिद्ध है। सन 1749 में यह देवनेली में हैदर अली ने मैसूर के सेनानायक दल वोये नजराज की सेना में घुड़सवार के रूप में अपनी सैनिक शिक्षा प्रारंभ की। बाद में ही हिम्मत और साहस से उनके नजराज के लिए इस किले पर कब्जा किया। इसी तरह आगे बढ़े और हैदर अली राजा बनकर अपना राज्य एक दिन मैसूर तक फैला दिया। उन्होंने अपने पुत्र योग्य अधिकारी टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में इस किले के पास में हुआ। हैदर अली ने इस मिट्टी के किले को पत्थर में बनवाया और इसकी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया। सन 1701 में मल्लील गोडा, जो बेंगलुरु के निर्माण का रेपोडा और तुलुम के यह मिट्टी का किला बनवाया था। देवनली और बेंगलुरु और चिकजालापुर के व्यापारी मार्ग पर स्थित है और इसी कारण व्यापारी के रुकने की जगह हुआ करती थी। देवनली नंद हिंस दौरा का एक हिस्सा है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फैकुर था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सेनानायक थे, लेकिन अपनी ताकत और बल पर 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान को इतिहास ने केवल एक योग्य शासक और योद्धा को तैयार देखा था, बल्कि वो दीवाना भी थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने उनके शेर ए मैसूर के किताब से नवाजा था। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। टीपू सुल्तान 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता।